अभी क्रिश आ गया है, वो रहा गेट के बाहर, निकलता हूँ अभी मैं घर। बैठते हैं ट्रेवल्स पे, चलते हैं नागपुर। और पूरे रास्ते में बारिश नहीं था, भुट्टी भूरी के बाद से बारिश लगी है जोरदार और मस्त बारिश चालू है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी मैं जाने वाला हूँ नागपुर, सारा पैकिंग वगैरह कम्प्लीट हो गया है। अभी मैं खाना खाऊंगा, खाना खा के निकल जाऊंगा नागपुर के लिए। लेकिन गाइज बाहर में बारिश चालू है, अभी भी सुबह से एकदम बारिश चालू है, अभी भी बारिश ही चालू। लेकिन कैसे हमारी छुट्टी अभी ज्यादा हो गई ना, कल के दिन जाने का प्लान था लेकिन कल तो मैं गया नहीं था, थोड़ा सा प्लानिंग में चेंजेस हो गया। लेकिन आज कोई भी हाल में जाना ही पड़ेगा, आज जाके नाइट में ड्यूटी भी करना पड़ेगा। तो गाइज अभी नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया हूँ, रेडी होना बाकी है, खाना खाना बाकी है, फिर चलेंगे अपन नागपुर के लिए। खाना अभी रेडी है और खाने में है ये देखिए, ये कुछ तो भी वड़ा है, फूल का वड़ा है, चावल और वो है सब्जी। तो ठीक है गाइज अभी खाना खा लेते हैं। खाना वाना कंप्लीट हो गया है और मैं अभी तैयार भी हो गया हूँ, बस मुझे अभी क्रिश छोड़ने के लिए जाएगा, वो शायद से अभी आ ही गया है, मैंने अभी उसको फोन किया था और बैग एकदम पूरी तरह रेडी है। क्रिश आते ही निकलते हैं नागपुर के लिए। फाइनली अभी क्रिश आ गया है, वो रहा गेट के बाहर, निकलता हूँ अभी मैं घर से। ए नोतुन गाड़ी कैसे रहा था, स्कूटी नया गाड़ी लिया क्रिश भाई है ना, 140 गिरा है ना, कैश लिए। फाइनली गाइस ट्रेवल्स के स्टैंड में पहुंच गया हूँ और ये ट्रेवल्स लगी हुई है, तो बैठते हैं ट्रेवल्स पे, चलते हैं नागपुर। फाइनली गाइस पहुंच चुका हूँ अभी नागपुर में और राजीव नगर में ही उतरा हूँ रूम के पास। लेकिन गाइस बहुत जोरदार बारिश चालू है नागपुर में, चंद्रपुर में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं था और पूरे रास्ते में बारिश नहीं था, भुट्टी भूरी के बाद से बारिश लगी है जोरदार और मस्त बारिश चालू है। रूम भी नहीं जा पा रहा क्योंकि भीग जाऊंगा, छतरी नहीं है साथ में। ये देखिए तगड़ी बारिश चालू है, बारिश हल्की सी कम हुई है तो निकल गया हूँ मैं अभी अपने रूम की ओर। कैसे अपना मोबाइल भी वाटरप्रूफ नहीं है ना, तो बारिश में खराब हो जाएगा, हल्की फुल्की बूंदे तो गिर रही है। जल्दी से पहुंचते हैं अपने रूम पे, बस पहुंच ही गए रूम के पास। फाइनली पहुंच चुका हूँ अभी रूम पे, जैसी रूम पे पहुंचा ना वैसी बारिश कम हो गई। आप लोगों ने तो देखे आते आते बारिश शुरू थी और जैसे मैं बस से निकला ना तब तो बहुत ज्यादा बारिश शुरू थी, रूम पे आते आते बारिश एकदम खत्म हो गई। अभी मुझे ड्यूटी जाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, अभी एक घंटा शायद टाइम है मेरे पास, तो इस वाले ब्लॉग को मैं यही पे एंड करूंगा। आज का ब्लॉग काफी छोटा हो चुका है, हमारे पास टाइम कम था, चंद्रपुर से नागपुर आए ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉगिंग करने के लिए। जो कुछ भी शूट किया वो सारा कुछ आप लोगों को तो दिखाया हो, तो इस वाले ब्लॉग को यही पे एंड करूंगा। नए लोग जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।